अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़ियात से भरी हुई है, सही अहादीस भी मौजूद हैं कि किसी भी मुसलमान को जब भी कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सीधा मस्जिद का रुख करता है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत यही थी कि अगर मदीना में तेज़ बारिश भी होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद तशरीफ़ ले जाते, और यही सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीक़ा भी रहा है। मगर आज एक कोरोना वायरस नामी वबा की हैबत इतनी मुसलमान हुक्मरानों के दिल में बैठ गई है कि अल्लाह के घर के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। हरम पाक, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, करबला, मशहद, गरज हर उस जगह का दरवाज़ा कोरोना वायरस का नाम लेकर बंद किया जा रहा है, जहां से इस दर्द यानी कोरोना वायरस की दवा मिलनी है। अगर आज हालात दुनिया पर नज़र करें तो दोस्तों, हर वो निज़ाम चल रहा है या उसे चलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ यहूद यानी इसराइल से है, जिसकी मिसाल बैंक, मीडिया आपके सामने है। दोस्तों, मीडिया में काम करने वालों को कोरोना वायरस असर नहीं करता, इसी तरह बैंक में काम करने वाले और सूदी निज़ाम के कारिंदे अपना काम आराम से कर रहे हैं। या तो कोरोना वायरस खुद इनके पास नहीं आता, या फिर इन दज्जाली इदारों में काम करने वालों को वो एहतियाती तदाबीर करवाई जाती हैं जिनसे कोरोना इन पर असरअंदाज नहीं होता। दोस्तों, मक्का मदीना बंद करने के बाद भी इस दज्जाल के पैरोकारों का मिशन पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने मस्जिद और दीन इस्लाम की तबलीग करने वालों को निशाना बनाया, और आज सूरत हाल आपके सामने है। आम नमाजियों के लिए मसाजिद बंद कर दी गई हैं, जबकि अल्लाह के रसूल की वाज़ह हदीस मौजूद है कि इस्लाम की कड़ियाँ एक एक कर टूटती जाएंगी। जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी कड़ी को पकड़ लेंगे। सबसे पहली कड़ी खिलाफत है और सबसे आखिर में टूटने वाली कड़ी नमाज होगी। 1924 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो चुका, जो कि हदीस की रोशनी में पहली कड़ी थी, और आज मसाजिद और बाजमात नमाज से पाबंदी आखिरी कड़ी टूटती दिखाई दे रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर में दीन पर चलने वाले की मिसाल उस शख्स के जैसी होगी कि इसके हाथ में एक अंगारा है और वो मुट्ठी बंद रखता है कि यह अंगारा गिर ना जाए। आज मसाजिद में नमाजियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, मसाजिद की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि आम नमाजी बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में ना जाएं। और मुस्लिम हुक्मरान दज्जाल और इल्लुमिनाती तंजीम के हाथों में कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। अजलान अली टीवी अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में इल्लुमिनाती और दज्जाली मंसूबों का जिक्र करता रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले मसाजिद और नमाजियों के लिए एहतियाती तदाबीर की जाती, मगर मुस्लिम हुक्मरानों की आंखों पर गैर मुस्लिमों की जानिब से दी जाने वाली इमदाद की पट्टी बंधी हुई है, और वो इमदादी रकूम के हुसूल के लिए हर दज्जाली काम करने को तैयार हैं। लॉकडाउन का पूरा ड्रामा दरहकीकत मसाजिद को नमाजियों से दूर करना और अपने आप का दज्जाल की खुशनुदी हासिल करने के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे, हज़रत इमाम महदी का जल्द ज़हूर फरमाए, और इस दज्जाली निज़ाम से हर मोमिन मुसलमान को महफूज फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अजलान अली टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।